सो गाइस ये रहा हमारा फैब्रिक एंड फोटोज देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम किस तरह की कुर्ती की कटिंग करने जा रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को फोर फोल्ड में कर लिया, आप देख सकते हो, और इसकी लेंथ मैंने उतनी ही ली है जितनी मुझे चाहिए। तो इस ओपन पार्ट से हम कट करेंगे अंडर आर्म्स की एंड क्लोज पार्ट पे हम कट करेंगे गले की। आपको ध्यान रखना है क्लोज पार्ट पे ही हमेशा गले की कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो शोल्डर हमारा 14 है, हम लेंगे उसका हाफ 7 इंच पे निशान लगाएंगे एंड अंडर आर्म्स को हम डीप करेंगे 6.5 तक। आप 6 ही लीजिएगा, 6 ही लिया जाता है। एक्चुअली मुझे बहुत ढीला ढाला पसंद आता है तो इसलिए मैंने 6.5 कर दिया है। एंड गले को हम रखेंगे 4 इंच पे, डीप करेंगे 2.5 पे एंड इसको एक राउंड शेप देंगे। यहाँ पे हम हाफ हाफ इंच पे दो निशान दे रहे हैं क्योंकि सिकुड़न अंडर आर्म्स की साइड पे सिकुड़न की इशू बहुत सारी आती हैं, तो दो जगह निशान लगता है उससे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड वेस्ट की साइज 37, उसका 1/4 होगा 9.5। तो आपकी साइज जो भी हो उसका 1/4 ही हम मेज़र लेते हैं। तो अंडर आर्म्स पे जो सिकुड़न की बात आती है वो हम दो जगह निशान लगाते हैं, एक तो यहाँ पे और दूसरा हम निशान लगाते हैं आस्तीन पे। उसकी वजह से जो भी सिकुड़न की इशू होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे जो मैंने निशान लगाया डीप वाला वो बस आप फ्रंट पे कट करोगे, ओके। इसी तरह आस्तीन वाला भी हम फ्रंट पे ही बस कट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कट कर देते हैं, अब बिल्कुल भी कोई इशू नहीं रहेगा, बस आप आस्तीन वाला भी कट कर देंगे। तो यहाँ पे हम शोल्डर से इसका, ये हमारा बैक का पार्ट है और आपने फोटोज में देखा ही है कि बैक वाला पार्ट फ्रंट से हमारा छोटा है। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे इसको निशान लगा के कट करेंगे। तो ये कट हो गया अच्छी तरीके से। अब मैं दिखा रही हूँ आपको फ्रंट कौन सा और बैक कौन सा है। तो गाइस ये छोटा वाला पार्ट जो है ये हमारा बैक का पार्ट है एंड ये पार्ट है हमारा फ्रंट का। तो मैंने इसको अब रख दिया, हम नीचे का कट करने जा रहे हैं। तो मैंने छोटे वाले पार्ट से ही इसको रखना स्टार्ट किया और इसको इतना ओवरलैप किया जितना हमारा स्टिचिंग में चला जाए। आप ध्यान से देख सकते हो लगभग 0.2 इंचेस हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा फ्रंट से लगभग 7 इंच है, आपने 8 इंच कट करके निकाला था, 15 टोटल लेंथ थी। तो वहाँ से ये हमारा टोटल लेंथ है 14 इंच का। एक्चुअली जो हमारा बैक का पार्ट है वो हमारा फ्रंट के पार्ट से 6 इंच बड़ा रहेगा, ठीक है। तो अगर 40 है तो फ्रंट हमारा 34 होगा। तो वेस्ट की मेजर है हमारी 36, 1/4 होगा 9 इंच। तो 9 इंच पे हम निशान लगा रहे हैं, इसको इस तरीके से हम इस पे मिला देंगे। अब हम कट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये कट हो गया। अब हम फ्रंट वाला पार्ट लेते हैं क्योंकि उसको हमें 7 इंच कट करके ऊपर से निकालना है एंड 6 इंच हमें नीचे से निकालना है। ये देखो ये जो हमारा छोटा वाला पार्ट था तो ये इतना एक्स्ट्रा था, तो यही हमें कट करके इसमें से निकाल देना है। तो यहाँ से हम कट करके निकाल देंगे इसको एंड 6 इंच हम नीचे से कट करेंगे। एंड मैं उसको दिखाना भूल गई हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। आप उतना निकाल देना यहाँ पे। अब 6 इंच हमें नीचे से निकालना है, वो मैं निकाले बिना ही मैंने वीडियो में दिखा दिया। तब ये हो गया। अब हम कट करते हैं फ्रंट पे जो हमारी डिज़ाइन बनी हुई थी साइड में, वो मैंने यहाँ पे 7 इंच पे लिया है। आप इसको और साइड में कर सकते हो या फिर मिड में कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे, पर यहीं पे आप करना, ये ज़्यादा बेटर लगता है और काफ़ी डिफरेंट लगता है। ये कट हो गया। अब हमें दो पट्टियाँ भी चाहिए लगभग 2-2 इंच की, इस तरह से दो पट्टियाँ हैं हमारे पास। बस ये कटिंग ख़त्म हो गई। अब हम गले की कटिंग, गले पे हमारी जो पट्टियाँ चाहिए उसके लिए। तो हमारी जो 6 एंड 7 इंचेस के कपड़े ऊपर नीचे से निकले हुए थे ये वो कपड़े हैं। तो यहाँ से हम कट करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि फोल्डेड पार्ट पे ही आपका तीनों पार्ट साइड पे रहे, वरना आपकी कटिंग निकलेगी और वो ख़राब हो जाएगी। और ये दोनों इक्वल रहे। एक चीज़ और, कपड़े के नीचे लगभग 1.5 से 2 इंचेस का आपका स्पेस होना चाहिए ताकि कपड़े कम ना पड़े। तो ये भी हो गया। बात अब हम करेंगे आस्तीन की कटिंग। सॉरी मेरा टंग ऐसे स्लिप हो जा रहा है। तो इसको भी हम 4 फोल्ड में करेंगे एंड इसकी लेंथ लेंगे हम 8.5 पे और इसकी लेंथ हम लेंगे 17 इंच। एक इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए एंड 2.5 इंच पे हम यहाँ निशान लगाएंगे और इसको मिला देंगे। आपको बहुत यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही कर देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपकी जो भी मेज़र हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे निशान लगा लीजिए। यहाँ पे हम 1/2 इंच लगाएंगे जिस तरीके से हमने अंडर आर्म्स पे लगाया था। तो इस तरीके से बिल्कुल भी इशू नहीं आती है कि बहुत कपड़ा सिकुड़ रहा है एंड ऑल, ओके। अगर आप इस दोनों निशान को एक बार में ही कट करो तब ध्यान रखना कि कपड़ा कहीं हमारा उल्टा सीधा ना हो, नहीं तो एक फ्रंट का कटेगा दूसरा बैक का कटेगा। ये तो आप दोनों फ्रंट कटे हुए हैं।
अब हमारी सारी कटिंग खत्म हो गई। देखिए कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको कट करने के बाद। यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत आपको आइडियाज दे दे रही हूँ किस तरीके से सिलाई करनी है, पर स्टिचिंग का वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से जाके देख लेना। तो ये हमारा बैक का पार्ट है जिसमें हम एक छोटा सा चुन्नट देंगे इस तरीके से कुछ, ठीक है। और इसके लेंथ मैं आपको दिखाती हूँ। ये कपड़ा ना थोड़ा सा ऊपर नीचे रखने की वजह से ये मतलब टोटल 6 इंच नहीं है, ये लगभग 4-5 इंच दिखाई दे रहा है। और ये आस्तीन है, और आस्तीन पे जो मैंने ये पट्टी कट की हुई है ये 7 इंच की है। आप भी ऐसे कट कर लेना इसको फोल्ड करके बटन जो लगाएंगे उसके लिए। सो गाइस ये रही मेरी आज की मेहनत, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस बाय बाय, सी यू सून।